अर्थ डे पर माननीय उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने आगरा में यमुना नदी की सफाई और डिसिल्टिंग के लिए आदेश दिए हैं, जिससे आगरा के जनमानस में हर्ष की लहर दौड़ गई है। इस महत्वपूर्ण कार्य के पूर्ण होने का श्रेय आगरा के वरिष्ठ अधिवक्ता केसी जैन को जाता है, जो लगातार आम आदमी के लिए यमुना की लड़ाई माननीय उच्चतम न्यायालय में याचिकाएं देकर लड़ रहे हैं, जिसका सकारात्मक निर्णय लेते हुए सुप्रीम कोर्ट की जज अभय एस ओका और उज्जवल भवान की बेंच ने अधिवक्ता केसी जैन को सुनते हुए आदेश पारित किया कि आगरा से गुजर रही यमुना नदी की सिल्ट, स्लज और गंदगी त्वरित हटाई जाए और इससे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, साथ ही ये कार्य नियमित होना चाहिए। इस आदेश के आते ही आगरा में जैसे यमुना की कलकल का निनाद गूंज उठा और तमाम सोई हुई संवेदनाएं जाग उठी। आगरा की धरा को एक नया आयाम दिलाने में मील का पत्थर साबित हुए अधिवक्ता केसी जैन के स्वागत में कमला नगर में एक खास सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें व्यापारिक संगठन इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन आगरा चैप्टर, आगरा आयरन फाउंडर्स संगठन, राष्ट्रीय कोल्ड स्टोरेज फेडरेशन ने केसी जैन को आमंत्रित कर संस्था पदाधिकारियों ने उन्हें पट्टिका, फूलमाला और पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। सम्मान से अभिभूत हुए केसी जैन ने 2019 में लगाई गई याचिका और उस पर सार्थक आदेश का विस्तार से प्रकाश डालते हुए अपनी बात रखी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में हमने वर्ष 2019 के अंदर एक याचिका दाखिल की थी कि यमुना बहुत गंदी है, यमुना के अंदर स्लज है, सिल्ट है और गार्बेज भरा पड़ा है, जिसकी वजह से वहाँ पर कीड़े उत्पन्न होते हैं, वो कीड़े ताजमहल को नुकसान पहुँचाते हैं, अपना एक्सक्रीटा वहाँ ताजमहल की मार्बल सरफेस के ऊपर छोड़ते हैं, जगह जगह पर वहाँ पर बदबू भी आती है। इसके अलावा जो 5-6 मीटर वहाँ पर सिल्ट जमा हो गई है, उसके अंदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो प्लास्टिक्स वगैरह है, जिसकी वजह से वाटर रिचार्ज भी ख़त्म हो गया है और पानी की स्टोरेज कैपेसिटी कम हो गई है। तो उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के अंदर नोटिस इशू कर दिए, जल शक्ति मंत्रालय ने और TTZ अथॉरिटी के चेयरमैन जो कि डिविजनल कमिश्नर होते हैं, उन्होंने रिप्लाई फाइल किया। डिविजनल कमिश्नर ने अपने रिप्लाई में ये एडमिट किया कि यमुना बहुत शैलो हो गई है, बहुत उथली हो गई है और जो कीड़े वहाँ पे पैदा होते हैं, जो ताजमहल की दीवारों पर एक्सक्रीटा छोड़ते हैं, उससे ताजमहल को नुकसान हो रहा है। कल जब सुनवाई हुई तो न्यायालय ने मामले को देखते ही वो इस बात के फेवर में थे कि इस संबंध में कोई विवाद नहीं हो सकता है कि यमुना की सफाई होनी चाहिए और उन्होंने आदेश बिल्कुल स्पष्ट आदेश ये कर दिया कि यमुना की तुरंत सफाई हो, वहाँ से सिल्ट, गार्बेज और स्लज सब हटाई जाए, न केवल हटाई जाए बल्कि ये उसकी स्थायी व्यवस्था भी हो और कौन जिम्मेदार अथॉरिटी होगी उसका भी निर्णय हो। और उसके लिए उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार और आगरा गवर्नमेंट अथॉरिटी अपना शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे, जिसमें इस बात का उल्लेख करेंगे कि कौन जिम्मेदार है। तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि वहाँ पर सफाई भी होगी और वहाँ पर नियमित रूप से जो भी गंदगी आएगी उसे भी हटाया जाएगा। अब कैसे प्रशासन व्यवस्था बनाता है, किस तरीके से सफाई करता है और कितने दिन में करता है, और उन्होंने कोर्ट ने डेट भी लगा दी है, ये कह दिया है कि अपना जवाब उन्हें जून के अंत तक दाखिल करना है और उसमें ये भी लिख दिया है कि अब आगे कोई समय नहीं देंगे। 11 जुलाई की डेट नियत की है, तो हम लोग सब उम्मीद करते हैं कि इस महत्वपूर्ण निर्णय को अमली जामा पहनाया जाएगा और यमुना साफ होगी, जो जन अपेक्षाओं के अनुरूप, आगरा के लोगों की इच्छाओं के अनुरूप कि वहाँ पर पानी ज़्यादा जमा हो सकेगा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो सकेगा और बैराज बनने की स्थिति में पानी ज़्यादा स्टोर हो सकेगा। अधिवक्ता केसी जैन ने यमुना में गिर रहे नालों के विषय में भी अपनी राय व्यक्त की। उसके बाद भी जैसे बहुत सारे नाले हैं उसमें गिर रहे, तो उसके लिए भी कुछ प्रावधान क्या कीचड़ जमा हो? देखिए, इसके लिए अभी कोर्ट ने कोई आदेश नहीं किया है, लेकिन कोई भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को अलाउ नहीं किया जा सकता है कि वो गंदे पानी को, अनट्रीटेड वाटर को रिवर के अंदर छोड़े। वो वाटर एक्ट में और पोल्यूशन कंट्रोल, पोल्यूशन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट सभी का में उस पर रोक है। तो ऐसी स्थिति में जब अब मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आ गया है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित कर दिया है, तो वो जब ये बात आएगी कि 90 नाले हैं जिसमें से केवल 29 नाले टैप हुए हैं, वो भी पार्शली टैप हुए हैं क्योंकि उनका डिस्चार्ज बढ़ गया है,
तो इस प्रकार से ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आएगा तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि नालों के टैपिंग के लिए भी प्रभावी व्यवस्था जरूर होगी। नेशनल चैम्बर के निवर्तमान अध्यक्ष राजेश गोयल ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम आदेश बताते हुए आगरा के लिए महत्वपूर्ण जीत बताया। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जो हमारी गंगा यमुना मैया की सफाई के लिए जो आदेश पारित हुए हैं उसका हम स्वागत करते हैं, और ये बहुत दिनों से एक रुका हुआ फैसला था जो हमारे हमारे जो अधिवक्ता जी हैं जो केसी जैन साहब, जिन्होंने की बहुत मेहनत लगी है और जिन्होंने लगातार पीआईए लगाते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय में हमारे जो आम जिंदगी है आगरा वासियों की, चाहे वो रोड एक्सीडेंट से हो, चाहे वो एक्सप्रेस वे पर चलने की हो, चाहे वो जितने भी उनके क्लेम्स हैं और जो भी एक आम जनमानस को जो राहत पहुंचाने की जो पीआईएल्स हैं उसी के तहत इन्होंने आपने इसमें जो है निर्णय लिया है जो कि बहुत स्वागत योग्य है। हमारी कई आज व्यापारिक संस्थाएं हैं जैसे इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, आगरा आयरन फाउंड्री एसोसिएशन, कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में आज हमने जैन साहब को बुला के सारा यहाँ पर उनका जो कल का आदेश है वो समझा है और आगे कैसे कार्रवाई होनी है उस पर चर्चा की जा रही है यहाँ पर, और आपका स्वागत और सम्मान और अभिनंदन भी किया जा रहा है जिससे कि हमारा जो आगरा का आज मान सम्मान बढ़ा है। आज जो बहुत रुका हुआ एक चीज़ हमारे सामने आई है निकल के, आज यमुना मैया सफाई होती है तो जो भी हमारा जो वाटर टूरिज्म है, जो हमारा ये प्रसाद जो वाटर टूरिज्म है, जो हमारा जो यहाँ पर पर्यटन रुका हुआ है पानी का, जो यहाँ पर क्रूज रुके हुए हैं, वो सब जब ही शुरू हो पाएंगे, जब ही ताजमहल का जो है जो वहाँ पर पर्यटक बढ़ेंगे तभी वहाँ रिवर फ्रंट बनेगा जब ये सफाइयों का शुरू होगा। तो पिछली साल हमने देखा है जब हमारे चैम्बर में मैं अध्यक्ष था तब हमारे प्रकोष्ठ चेयरमैन सीताराम अग्रवाल जी, हमारे उपाध्यक्ष मनोज बंसल जी और हमारे पूर्व अध्यक्ष शलभ शर्मा जी, नरेंद्र सिंह जी, इन सबके प्रयासों से पिछली साल हमने लगातार इसको फॉलोअप किया था और जैन साहब ने जो स्मार्ट सिटी के हमारे प्रकोष्ठ चेयरमैन थे उन्होंने इसको देखते हुए और बराबर पीआईएल लगाई और आज हमने उसका रिजल्ट देखा है। तो हम यही कहेंगे कि जो फॉलोअप होता है चाहे किसी भी संस्था से होता है तो उससे जो है उसका परिणाम आता है और उससे जो है शहर का जो है आज सर्वांगीण विकास की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष सीताराम अग्रवाल ने कहा कि अब तक सरकारें, जनप्रतिनिधि और अधिकारी सुप्रीम कोर्ट एनजीटी का हवाला देकर आगरा वासियों को गुमराह करते हुए आए हैं, जिसका कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। हमने अपने बचपन से कल कल बहती यमुना को देखा है और उसकी स्थिति ये है कि जब से ये सूखने लगी है तब से रेत जो उड़ता है वो ताजमहल जैसी इमारतों का उससे क्षरण होता है, वाटर लेवल हमारा खत्म बहुत नीचा होता चला जा रहा है, पर्यावरण की दृष्टि से आगरा की गर्म हवाएं यहाँ रहती हैं। तो ये पिछले लगभग 12 से 15 सालों से हम लोग ये प्रयासरत रहे हैं कि यमुना नदी में जो पिछले 25 वर्षों से सफाई रुकी हुई है, कीचड़ जो है उसमें जमा हो रही है, उस कीचड़ की सफाई हो, गंदे नालों से जो प्रदूषित जल आ रहा है वो साफ हो, इसके लिए हमारे अधिकारी भी और राजनीतिक लोग भी दोनों ही दोषी हैं, दोनों ही हम लोगों को ये बेवकूफ़ बनाते रहे। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि साहब इसमें एनजीटी की रोक है, इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय की रोक है, लेकिन आज हम आभारी हैं अपने जैन साहब के जिनके विशेष प्रयासों से पीआईएल लगी और उस पीआईएल का ये रिजल्ट सामने आया कि अब तक जो हमको बेवकूफ़ बनाया जा रहा था वो गलत था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इतना जो है ऐसा एक निर्णय दिया है जिससे कि आगरा का जनमानस हमेशा हमेशा उसको याद रखेगा और उम्मीद की जानी चाहिए कि इसके बाद आगरा का वाटर लेवल भी ऊँचा होगा, यहाँ रोप वे की भी संभावनाएं बढ़ेंगी, क्रूज भी चल सकेंगे और जो अभी धार्मिक पर्यटन के संबंध में हम लोगों ने बात शुरू की है कैलाश महादेव मंदिर, रेणुका धाम, सूरकुटी से लेकर बटेश्वर तक के लिए, बटेश्वर की प्लानिंग में आ गया है कि बटेश्वर में यमुना चूँकि टर्न लेती है तो वहाँ पानी इतना रहता है कि वहाँ क्रूज चलाए जा सकते हैं। हमारा अनुरोध जो है रहेगा कि ये सफाई भी हो, जो नाले हैं उनकी जो है उसका प्रदूषित जल किसी भी तरीके से एक ऐसे स्थान पर ले जाया जाए जिससे कि वो नालों में न गिरे और आगे भविष्य के लिए
हमारे बच्चे ये देख सकें कि आगरा में यमुना किसी समय बहती थी और आज भी बाढ़ के समय जो पानी वेस्ट होता है वो पानी को रोक के यहाँ के वाटर लेवल को जो यमुना किनारे के क्षेत्र में 25 मीटर के करीबी हुआ करता था वो दोबारा से आए और शहरवासियों को एक अच्छा वातावरण मिल सके। चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष सलभ शर्मा ने अधिवक्ता केसी जैन को बधाई देते हुए अब आगरा की जनता को अपना कर्तव्य निभाने की बात कही। सबसे पहले तो वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे आगरा के प्रति हमेशा सजग और जागरूक रहने वाले श्री केसी जैन साहब को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद, जिन्होंने आगरा के विभिन्न औद्योगिक संगठनों और जागरूक नागरिकों द्वारा उठाई जा रही पिछले 10-12 वर्षों से यमुना के डिसिल्टिंग की आवाज़ को एक मुकाम तक पहुंचाया। इसके लिए आगरा की जनता उनका आभार मैं समझता हूं। आने वाली पीढ़ी हम लोगों से ज़्यादा आभार व्यक्त करेगी, क्योंकि इस परिणाम की अगर डिसिल्टिंग के बाद जब यमुना में रेगुलर पानी रहेगा तो आगरा जो है, एक तो वाटर लेवल बहुत अच्छा होगा आगरे का, आगरा का एटमॉस्फियर बहुत अच्छा हो जाएगा पानी के रहने से, प्लस आगरा में जो टूरिज्म है उसको नए पंख लगेंगे। अगर ताजमहल में जैसा कि पूर्व में आपने फोटोज भी देखा होगा, बता देखते कि आगरा के रिवर बैंक, यमुना रिवर बैंक पे हमेशा पानी रहता था और एक बहुत ही मनोरम दृश्य रहता था, तो वो अब उसकी उम्मीद जगी है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। और बस इतना है कि केसी जैन साहब से भी एक निवेदन और है आपके इस चैनल के माध्यम से कि इसको निरंतर फॉलोअप करते हुए इस पर मॉनिटर करें, और अगर आगरा के अफसर और प्रशासन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का ठीक से अनुपालन नहीं करती हैं तो फिर कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन लगाने के लिए तैयार रहें। डीटेप जो नालों की टैपिंग होनी है वो बहुत ज़रूरी है, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से एक उम्मीद जगी है कि अब यमुना में नालों का गंदा पानी गिरना भी बंद होगा और प्रशासन को इस पर भी पूरे सख्त कदम उठाने पड़ेंगे यमुना की टैपिंग के। आगरा की जनता से अपेक्षा ये है कि इस अभियान में जुड़ें, अगर डिसिल्टिंग होती है तो डिसिल्टिंग के बाद यमुना फ्रंट जो पूरा यमुना किनारे से लेकर यमुना फ्रंट और बटेश्वर तक यमुना को साफ रखने की जिम्मेदारी आगरा की जनता की है। वहीं चैम्बर के पूर्व उपाध्यक्ष मनोज बंसल ने कहा कि यमुना की सफाई के बाद यहां बैराज बनने का रास्ता साफ हो जाता है, जिससे आगरा में पर्यटन को पंख लगेंगे। लेकिन निश्चित रूप से हमें जो है इसमें पॉजिटिव सोच हमारे को रखनी पड़ेगी, और ये चूंकि जो डिसिल्टिंग का हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता आगरा के हमारे शान श्री केसी जैन साहब द्वारा जो प्रयास रंग लाए गए हैं, पिछले कई वर्षों से चैम्बर इस पर लिखता रहा डिसिल्टिंग के लिए, लेकिन ये हमें असंभव सा कार्य लग रहा था जो आज संभव हो सका है, और उम्मीद करते हैं कि डिसिल्टिंग के बाद जब पानी यमुना में रुकेगा तो आगे बैराज का भी रास्ता साफ होगा। जो माननीय हमारे योगी जी द्वारा नगला पैमा पे जो बैराज का जो उन्होंने लोकार्पण भी किया था, तो हम पूरी पूरी उम्मीद करते हैं कि बैराज का भी रास्ता हमारे साफ होगा और आने वाले समय में यहाँ पे वाटर टूरिज्म है या यमुना का लेवल है ये निश्चित रूप से बढ़ेगा और इससे शहर को निश्चित रूप से बहुत फायदा। अधिवक्ता केसी जैन के इस सम्मान समारोह कार्यक्रम में अमर मित्तल, सुनील सिंगल, राजेश गोयल, सीताराम अग्रवाल, मनोज बंसल, नरेंद्र सिंह, सलभ शर्मा, अशोक गोयल, अंशुल अग्रवाल, विवेक मित्तल, सतीश अग्रवाल, रितेश गोयल प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।